इंदौर में एमबीए की छात्रा को ट्रेडिंग एडवाइजरी कंपनी खुलवाने के नाम पर 1,20,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि फरियादी छात्रा के दोस्त हैं, जिन्होंने छात्रा को झांसा देकर करोड़ों रुपए निवेश करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एमबीए की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ही साथ में पढ़ने वाले युवक प्रवीण और उसकी एक महिला मित्र शैली ने एक एडवाइजरी ट्रेडिंग कंपनी खोलने के नाम पर निवेश करने का प्रलोभन दिया, जिसमें निवेश करने पर अच्छा मुनाफा देने की बात कही थी। शुरुआती दौर में तो युवती छात्रा को मुनाफा दिया गया, वहीं जब युवती ने अपने परिवार व रिश्तेदार से भी स्प्रेडिंग एडवर्टाइजरी कंपनी में निवेश कराया तो आरोपियों ने 1,20,00,000 रुपए निवेश करा के धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी प्रवीण और उसकी महिला मित्र साथी शैली को गिरफ्तार कर लिया है। दो लोगों को उसमें अभी हिरासत में लिया गया है। क्या कहानी है सर, पूरा किस तरह की? एक युवती द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि वो कंपनी में काम करती थी, वहाँ कंपनी में काम करने के दौरान ही उससे इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ पैसे लिए गए, तो उसने जो पैसे दिए, जो कंपनी का चलाता था लड़का प्रवीण, उसके द्वारा उस लड़की के नाम पर डीमैट अकाउंट बनाया गया था और उसका हैंडल करता था। उसने जो पैसे इधर उधर कर दिए करीब 1 करोड़ के लगभग, तो उसी संबंध में 420 का एक प्रकरण दर्ज किया गया है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें भी पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है सर दोनों लोगों का? एक आरोपी का नाम प्रवीण है, एक युवती का भी है इसमें, उसको भी अभी पूछताछ की जा रही है। नहीं, अभी कोई एक ही कंप्लेंट है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।